तो हेलो गाइस, स्वागत है चैनल में जिसका नाम है पीस पोज। आज हम लोग बात करेंगे जुआन फेरांडो के बारे में, जुआन फेरांडो के करियर और प्लेइंग स्टाइल के बारे में। तो जुआन फेरांडो ने अपना मैनेजरियल करियर शुरू किया था एट द एज ऑफ 18 एंड बहुत कम एज में उन्होंने अपना मैनेजरियल करियर शुरू किया था, क्योंकि एज अ फुटबॉलर उनको इतना सारा इंजुरीज मिला था इतने कम एज में कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा फुटबॉल से एंड वो मैनेजरियल करियर में घुस गए। एंड उन्होंने ग्रेजुएशन किया था RCD एस्पेनियल स्कूल से, वो स्पोर्ट्स साइंस लेके पढ़ते थे। एंड एज ऑफ 30 उन्होंने PhD भी किया स्पोर्ट्स साइंस में, बट उससे पहले वो 12 साल वो एज सपोर्टिंग स्टाफ थे काफ़ी सारे क्लब्स में, आर्सेनल में थे, फिर ब्राइटबर्न रोवर्स में थे, फिर काफ़ी सारे प्रीमियर लीग के क्लब्स में थे। सो उससे पहले वो ऐसे ही सपोर्टिंग स्टाफ में थे। फिर उनका सबसे पहला जो एज अ यूथ टीम का वो हेड कोच बने वो थे CF प्रिमाओ, फिर वो टेरेसा में गए एंड हॉस्पिटलेट, ये सब उन्होंने एज अ मतलब उनके यूथ टीम को मैनेज किया है। एंड ये सब स्पेन के ही क्लब है, छोटे छोटे क्लब्स हैं। एंड इन द ईयर 2012 एंड 13 वो एज अ टेक्निकल स्टाफ ज्वाइन किए मालागा FC को, एंड फिर उनको एज अ हेड कोच भी अपॉइंट किया गया उस क्लब की यूथ टीम में। सो मालागा FC जो कि काफ़ी बड़ा टीम है उसका एज अ टेक्निकल स्टाफ उनको अपॉइंट किया गया था जुआन फेरांडो को। फिर जो मालागा FC का जो यूथ टीम है उसमें उनको एज अ हेड कोच अपॉइंट किया गया। ये एक्चुअली जुआन फेरांडो का करियर का सबसे पहला एक बड़ा पॉइंट था। एंड फिर उन्होंने मिड जून 2013 को उन्होंने शरीफ ट्रायस्पोल, ये एक्चुअली यहाँ पे जुआन फेरांडो ने एक्चुअली अपना मतलब जो कोचिंग स्टाइल है वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस किया। वो वहाँ पे एज असिस्टेंट कोच थे एंड जुलाई में एक महीने बाद ही उनको हेड कोच बना दिया गया। एंड एज अ हेड कोच जुआन फेरांडो ने वहाँ पे मोल्डोवन सुपर कप जीता। एक्चुअली शेरिफ ट्रायस्पोल एक मोल्डोवन नेशनल डिवीजन का क्लब है जो कि अब USSR था एक टाइम पे, एंड उसके बाद अभी हम लोग रोमानिया जो बोलते हैं वही है मोल्डोवन नेशनल डिवीजन। सो फर्स्ट टीम था मतलब शेरिफ ट्रायस्पोल फर्स्ट डिवीजन का टीम था। सो उनको मोल्डोवन सुपर कप जिताया, फिर उसी क्लब को UEFA चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड तक लेके गए, बट उसके बाद थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में वो हार गए। एंड फिर यूरोपा लीग में वो ग्रुप स्टेज में गए एंड वहाँ पे उनके ग्रुप में थे टॉटेनहम एनजी एंड ट्रम्सो शेरिफ, सो ये तीन क्लब। बट ग्रुप स्टेज के बाद से वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको ग्रुप स्टेज में सिर्फ 6 पॉइंट मिला था और 2 पॉइंट कम था नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सो फिर उस टीम से भी वो निकल गए एंड शेरिफ ट्रायस्पोल से भी निकल गए जुआन फेरांडो। फिर वो गए एर्गोटेलिस में, जो एर्गोटेलिस में उनका सबसे मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही खराब एक सीज़न था क्योंकि उनको बस 2 मैचेस मिला था एर्गोटेलिस में एंड आफ्टर वो 2 मैचेस हार गए उनको एर्गोटेलिस से निकाल दिया गया। सो ये काफ़ी एक ख़राब पॉइंट बोलूँगा जुआन फेरांडो के करियर के। एंड उसके बाद वो स्पेन में वापस आए, फिर उन्होंने कल्चरल लियोनिस में फिर से गए एंड वहाँ पे वो 2 साल थे। फिर 2017 में वो लियोनिस डिप्रोटिवो में गए, बहुत ही एंड में गए, 2016-17 के सीज़न में बिल्कुल ही एंड में गए थे, 8 मैचेस बाकी था एंड ऑलमोस्ट रेलीगेशन के बहुत क्लोज थे लियोनिस डिप्रोटिवो। एंड हाँ, लियोनिस डिप्रोटिवो रेलीगेट हो भी गए एंड फिर जुआन फेरांडो ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो इसके बाद जुआन फेरांडो को एक ऑफर मिला वोलोस से, जहाँ पे एक्चुअली उनका करियर का जो टर्निंग पॉइंट है वो है वोलोस। सो वो फिर उन्होंने सोचा होगा कि वोलोस में जाते हैं, सो वोलोस में गए भी एंड वोलोस जो क्लब है वो थर्ड डिवीजन का क्लब था, अभी हम लोग फर्स्ट डिवीजन में देखते हैं। सो वहाँ पे जुआन फेरांडो थे 2 साल, प्रिसाइजली अगर बोलें तो 3 साल थे, बट लास्ट ईयर तो वो FC गोवा में आ ही गए। सो 2 साल मतलब 3 सीज़न, नहीं 3 साल ही बोलूँगा मैं, 3 साल थे और 3 सीज़न। सो वोलोस को थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में लाने का ये जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो वोलोस में काफ़ी एज ओल्ड प्लेयर थे, काफ़ी ओल्ड प्लेयर है उसके। जुआन फेरांडो जब आए तो सबसे पहले तो उन्होंने यंग प्लेयर स्काउटिंग से उठाया, बजट ज़्यादा नहीं था तो यूथ सिस्टम से ही उठाना पड़ा, स्काउटिंग करके उठाना पड़ा, काफ़ी लोकल प्लेयर्स को चांस दिया एंड ऐसे करते करते टीम बिल्डअप किया। प्लेयर्स को सबसे जो बड़ा बात है जुआन फेरांडो प्लेयर्स को पूरा मौका देते, हाँ तुम अपना स्किल दिखाओ, तुम जो कर सकते हो अपना 100% दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। सो ये जुआन फेरांडो का एटीट्यूड है कि प्लेयर को पूरा मौका दिया जाएगा। एंड वैसे ही करते करते वो थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में आ गए, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों ही डिवीजन में। थर्ड डिवीजन ग्रीस का जो थर्ड डिवीजन उसमें भी चैंपियन में, फिर सेकंड डिवीजन में भी चैंपियन में, फर्स्ट डिवीजन में वोलोस FC एंड उसके बाद FC गोवा में आ गए। सो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था वोलोस FC का, काफ़ी अटैकिंग गेम खेलते थे वोलोस FC एंड जुआन फेरांडो प्लेयर्स को मौका देते थे। तो ये तो था कुछ करियर। अब
प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो जुआन फेरांडो अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं, बट सिर्फ अटैकिंग खेलना नहीं पसंद करते, उनको डिफेंस में भी सपोर्ट चाहिए होता है एंड वो मिडफील्ड में बॉल होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, होल्ड नहीं बोलूँगा मैं बट मिडफील्ड को कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद करते हैं जुआन फेरांडो। उनको मिडफील्ड में ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए, ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए। सो एफसी गोवा में वो क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो अभी ऑलरेडी इगोर एंगुलो जैसे अच्छा एक स्ट्राइकर को उन्होंने खरीदा है, उनका यही फॉर्मेशन है कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर लेते हैं स्ट्राइकिंग में और एक यंग प्लेयर। अब यंग कौन होगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली इगोर एंगुलो हो चुका है। अब नेक्स्ट जो होगा, जितना मैंने उनको स्टडी किया है वो यंग प्लेयर्स एक यंग और एक एक्सपीरियंस ऐसे करके वो खिलाते हैं, एंड मिडफील्ड में भी वैसा ही होता है, एक यंग और बाकी मतलब एक एज ओल्ड थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर और बाकी सारे यंग प्लेयर्स होते हैं। सो उनका प्लेइंग स्टाइल है कि प्लेयर को मौका दो, जो उनको बॉल के साथ खेलने दो ताकि प्लेयर भी इंजॉय करे अपना गेम। एंड सो इसी वजह से मुझे लगता है कि जुआन फेरांडो का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी पूरा मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और जब किसी फुटबॉलर को मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का तो वो हमेशा अपना 100% देगा उस फुटबॉल मैच में। सो यही होता है जुआन फेरांडो के टीम्स के साथ कि वो मौका देते हैं, और वॉलोस एफसी में भी उन्होंने वही किया था कि वो प्लेयर्स को मौका देंगे कि तुम अपना 100% दो, जो होगा देखा जाएगा। एंड इसीलिए वॉलोस एफसी थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में आ गए। एंड जुआन फेरांडो ने बोला है कि उनको कोई प्रेशर नहीं है कि वो ACL खेलेंगे, एंड प्रेशर होना भी नहीं चाहिए, प्लेयर्स ज़्यादातर टाइम पे प्रेशर के कारण ही ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, अपना 100% नहीं दे पाते। जुआन फेरांडो ये समझते, बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हाँ उनका एज 39 है बट उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके आज जो पोजीशन में उस पोजीशन में आए। इतना इजी नहीं होता कभी किसी टीम से दो मैच के बाद निकाल देने के बाद वॉलोस एफसी जैसे टीम को थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में लाना, ये कोई छोटा बात नहीं है। एंड जुआन फेरांडो ने अपने लिए एक नाम बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, कुछ रीजंस हैं उनके प्लेइंग स्टाइल, सबसे बड़ा जो रीज़न है उनका प्लेइंग स्टाइल ही मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत यूनिक एक प्लेइंग स्टाइल के साथ खेलते हैं। एंड सर्जियो लोबेरा के साथ काफ़ी मैच है जुआन फेरांडो का, सर्जियो लोबेरा भी प्लेयर्स को चांस देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड जुआन फेरांडो भी प्लेयर्स को ही चांस देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कुछ होते मतलब कुछ कोचेज होते हैं जो कि जो वो बोले वैसा ही खेलना पड़ेगा। जुआन फेरांडो प्लेयर्स को चांस देते कि तुम अपना 100% दो एंड जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हार ही जाएंगे। सो ऐसे एक एटीट्यूड होता है जुआन फेरांडो का जिसके वजह से प्लेयर्स भी अपना 100% दे पाते हैं, एंड ऑब्वियसली वो विन के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हार जाएंगे बट विन के लिए जाते हैं ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका टारगेट रहता है कि कुछ भी हो 90 मिनट्स का गेम है जीतना है। सो काफ़ी अटैकिंग अप्रोच है जुआन फेरांडो का। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।